वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ संदीप। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे अपने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन से डिलीटेड डेटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना ये होगा कि गूगल के अंदर जा कर के सबसे पहले हमें रिकुवा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। 4 MB का लगभग का सॉफ्टवेयर होगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के सर्च बॉक्स पर टाइप करना होगा रिकुवा प्रीफॉर्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड। लगभग 4 MB के आसपास का सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको सेटअप कराना रहेगा। यहाँ पे मैं जैसे मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ 4 MB का रिकुवा सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट यस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा रिकुवा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने रिकुवा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, आप ये आइकॉन देख सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने ड्राइव पर। रिमूवल डिस्क है, मेरी ये पेन ड्राइव है, इसमें कुछ डेटा है जैसे वॉलपेपर वगैरह पड़े हुए हैं कुछ इस पर। तो सबसे पहले मुझे इसके वॉलपेपर को या डेटा को डिलीट या फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं इसे फॉर्मेट ही कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा, यस स्टार्ट, ओके। आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। अभी इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। आप देख सकते हैं अभी मेरी पेन ड्राइव बिल्कुल ही ब्लैंक है। अब मैं चलता हूँ अपने रिकुवा सॉफ्टवेयर पर। मैं इसे ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, यस करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और मुझे चूँकि सभी फाइलें रिकवर करनी है, तो मैं ऑल फाइल्स रेडियो बटन पर मैंने चेक किया हुआ है। और यदि सिर्फ आपको पिक्चर पर पिक्चर की ही फाइलें मतलब रिकवर करना है, तो आप इस रेडियो बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही म्यूज़िक की जो फाइलें हैं, सिर्फ आप उनको रिकवर करना चाहते हैं तो म्यूज़िक की फाइल्स पर क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बस चाहिए आपको, जैसे DOC, PDF या XLS के जो डॉक्यूमेंट हैं, वो यहाँ से चेक करेंगे तो आप सिर्फ वही रिकवर होंगे। इसी तरह से सारी कैटेगरी बनी हुई है कॉम्प्रेस्ड यानी GPNRAR की वीडियो में, MP3, MP4, MP AVI जो भी फॉर्मेट है। ईमेल में जैसे आपका मोज़िला थंडरबर्ड या MS Outlook की जो ईमेल का बैकअप है, उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ सभी फाइलों का बैकअप चाहिए या रिकवरी चाहिए, तो मैं करता हूँ ऑल फाइल्स पर करता हूँ अब नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं अपनी ड्राइव का पाथ दे देता हूँ, जिस भी ड्राइव का मुझे बैकअप लेना है। तो मैं अपनी ड्राइव का रिमूवल ड्राइव का बैकअप देता हूँ, पाथ देता हूँ इसको, सॉरी पाथ देता हूँ। ये मैंने अपने रिमूवल ड्राइव H को सेलेक्ट किया है। मैं ओके करता हूँ, करता हूँ अब नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, यस। ये मेरी सारी फाइलों को, जो भी डिलीट हो चुकी है मेरी फाइलें या फॉर्मेट हो चुकी है, ये अभी उन सारे फाइलों को स्कैन करेगा रिकवर करने के लिए। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि जो अभी रिकवरी है, रिकवरी पार्टीशन जो डिलीटेड फाइल का पार्टीशन है, उसके लिए अभी स्कैनिंग जारी है रिकुवा सॉफ्टवेयर की। जैसे ही स्कैन करेगा तो फिर हमारे सामने फाइल को ऑप्शन आएंगे, हम किस फाइल को रिकवर करेंगे उसे भी हम देखते हैं। पहले ये हमारा पार्टीशन डिलीटेड फाइल का स्कैन हो जाए। ओके वेल फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं डिलीटेड फाइल को स्कैन करने के बाद ये सारी फाइलें जो डिलीट हुई हैं, वो सारी फाइलें यहाँ पे शो कर रहा है अलग अलग फॉर्मेट्स में, जो जिस फॉर्मेट की फ़ाइल है। वीडियो है तो MP4, MP3, MP4, AVI, पिक्चर है तो पिक्चर वाला फॉर्मेट, सॉन्ग है तो सॉन्ग का फॉर्मेट। ओके, यदि मुझे सारी फाइलों को रिकवर करना है, तो मैं यहाँ से फाइल नेम के बगल में जो चेकबॉक्स है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो सारे फाइलों के जो चेकबॉक्स है ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे। मतलब इसके यहाँ पर यदि हम चेक बॉक्स को चेक करते हैं, तो सभी फाइलों को हम रिकवर कर सकते हैं। और यदि मैं नहीं चाहता कि मैं सभी फाइलों को रिकवर करूँ, उसके लिए फिर मैं ऑप्शनली अपनी जो ज़रूरत की फाइलें हैं, सिर्फ उन्हीं बस को रिकवर कर सकता हूँ। तो जैसे मैं अपनी ज़रूरत की ही फाइलों को रिकवर कर लेता हूँ, ये मैंने चेकबॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं जो भी मेरी फाइल्स हैं मैं उन पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी फाइलों को क्लिक कर लिया जो भी मेरी ज़रूरत की थी। अब
पहले मैं देख लेता हूँ, मैं अभी मेरी पेन ड्राइव खाली है भरी, तो जैसा कि मैंने फॉर्मेट कर दिया था तो मेरी पेन ड्राइव अभी खाली होना चाहिए। यस, खाली है मेरी पेन ड्राइव। तो अभी मैं चलता हूँ रिकूबा पर, या मैं रिकवर बटन पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे से डेस्टिनेशन ड्राइव पूछेगा जहाँ पर मैं अपनी रिकवर की हुई फाइलों को स्टोर करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर लोकेशन दूँगा इसको रिमूवल डिस्क एच, यानी कि जो मेरी पेन ड्राइव है। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो ये एक मैसेज प्रोवाइड करता है, डू यू वांट टू रिस्टोर द सेम ड्राइव, दिस कैन द रिड्यूस चांस ऑफ सक्सेसफुल रिकवरी। मुझे यहाँ पे यस करना रहेगा। यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल्स जो डिलीट हुई थी वो वापस आ चुकी है। अभी हम चल के देखते हैं मेरी ड्राइव पर, यानी कि पेन ड्राइव पर, कि मेरी फाइलें रिकवर हुई हैं या नहीं। ये मेरी रिमूवेबल पेन ड्राइव है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेरी डिलीटेड इमेज थी वो वापस से दोबारा मुझे मिल गई है, रिकवर हो चुकी है। तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें काफ़ी आसानी होती है, जो हम अपने डिलीटेड डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।